या पेंडी स्प्रे करें इस पर, पेंडी मेथालिन या डाइवगोर्ड भी होती है, हम तो पेंडी मेथालिन चला रहे हैं। ये 100 cc फी टेंकी में डाल रहे हैं। टेंकी में डाल के बागू आ गए। हाँ बागू, स्प्रे डाल दिया टेंकी में? हाँ जी, स्प्रे डाल दिए। स्प्रे करने लगे हैं जिस पे हमने कल कपास लगाई थी, आज उसको स्प्रे कर रहे हैं पेंडी मेथालिन के, इसमें किचरा ना उगे 40 दिन। ये तो वैसे तो वो है अपनी ग्लाइफोसेट पिंक फ्री वेराइटी है, मगर फिर भी पेंडी मेथालिन स्प्रे हो जाए तो 30-40 दिन आराम से गुजर जाते हैं, क्योंकि इस रेतरे वाली ज़मीन है इसमें ज़रूरत पड़ती है। स्प्रे करें बागू। ये देखें समान दोस्त कैसे स्प्रे हो रही है पेंडी मेथालिन। ये बागचंद कर रहे हैं बागू स्प्रे। तमाम दोस्तों को ये बताने चाह रहे हैं कि पास के ऊपर पेंडी मेथालिन कहाँ पे कम गंद नहीं है, किचरा वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ना भी करें तो ऊपर ग्लाइफोसेट वेराइटी मार सकता है बंदा, मगर हम तो फिर भी नीचे पेंडी मार देते हैं सीकर में, बाकी बाद में किचरा निकलेगा तो फिर ग्लाइफोसेट मारेंगे। तमाम दोस्त ये स्प्रे चल रही है, ये एक एक ले कर जानी पड़ती है क्योंकि कपास लगी हुई है पेंडी मेथालिन। इंशाल्लाह ताला ये कब जमीन से निकलती है, कौन सा आगे प्रोसीज है, सारा दोस्तों को सब दिखाएंगे कैसे चलता है क्या प्रोग्राम है। सर आप आगू होगी स्प्रे कर रहे हो? आखिरी दो खेले रहे। चलो अल्लाह के कर चल रहा है, कटे हुए थे इसको मार रहे हैं, ड्राइवर चला रहा है, मैं खुद बैठा हुआ हूँ। तो ये ज़मीन तैयार कर रहे हैं कपास के लिए, एक तो हमने बिजाई कर दी, अभी यहाँ दूसरी वेराइटियाँ लगाएंगे, और वो तो कम जगह थी, ये तकरीबन 4 एकड़ जगह बन जाएगी, पूरी चौकरी है ये। अभी इंशाअल्लाह ज़मीन तैयार हो रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, गोबर इसमें चला दी है, अभी ये कल्टीवेटर चला रहे हैं, आगे इसको लेवर करेंगे, फिर इसकी दो आगे काम होगा। तमाम दोस्त देखें आपको ये तरीका भी बताएंगे इसका। ज़मीन तैयार हो रही है कपास के लिए, तकरीबन ये चौकरी 4-5 एकड़ इस पे ज़मीन में, आपको दोस्तों को दिखाया कल्टीवेटर चला रहे हैं, अल्लाह है सदाला ये भी चौकरी तैयार करके कपास यहाँ भी बिजाई करते हैं। तमाम यहाँ